अच्छा भाई, आप मुझे ये बताएं कि यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने आपके साथ कोई तआमुन नहीं किया, तो जो टीचर्स हैं वो तो पेरेंट्स की तरह होते हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि टीचर्स ने आपके साथ कोई तआमुन किया, कोई कॉन्टैक्ट किया आपके साथ? सर सर थैंक यू, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर हम सुनते हैं बचपन से कि जो टीचर होते हैं ना वो रूहानी बाप की जगह होते हैं, तो ये हमारे पेरेंट्स होते हैं। इनका पेरेंट्स वाला हमने कोई सिचुएशन देखी नहीं, ना इनका कोई हमारे साथ पेरेंट्स वाला भी है। इन्होंने अभी तक हमसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया, कोई बात नहीं की अभी तक। इन्होंने हमें वही फुद्दू लगाया हुआ है, वही पिटो पार्टी शुरू है इनकी अभी तक, कि हमने फिजिकल पेपर फिजिकल ही ले रहे हैं, ऑनलाइन पेपर जब आप कैंपस में बुला रहे हैं, फिर ऑन कैंपस की कैसे होगा, ये ऑनलाइन पेपर नहीं होगा, ये फिजिकल आप पेपर की अपीयरेंस आप शो कर रहे हैं। ये सर आप अपने अपने इस पर दोबारा इजहार ख्याल करें, आप चेंज करें फैसला। ये तमाम स्टूडेंट देखें सर, ये तमाम स्टूडेंट अपने हक के लिए खड़े हैं यहाँ पे, अगर इनको हक नहीं मिलेगा इनका फ्यूचर तबाह हो जाना है सबका। शुक्रिया सर। ओके, दो दिन हो गए हैं, सरापा एहतजाज हैं, आपने काली रोड बंद किया हुआ है, तो यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने आपके साथ कोई कोऑपरेट किया है कि नहीं? जी भाई, ये सबसे पहले तो बात ये है कि कल से हम स्ट्राइक पे हैं, हमसे पहले इन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम के परफॉर्मेंस फिल्पिंग करवाई, जिसके ऊपर साफ तौर पे लिखा हुआ था कि ऑनलाइन एग्ज़ाम एट होम होंगे, लेकिन हमारे साथ इनके उसके बाद धोखे के बाद इन्होंने ये कहा है कि आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम ऑन कैंपस होंगे, तो ये बात दुरुस्त नहीं है ना इनकी। कि कल से हम इधर बैठे हुए, मैनेजमेंट इतनी बकवास किस्म की मैनेजमेंट है इनकी कि कल से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं करी। स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, बैठ के चले जाते हैं, यानी कि हमें हर काम के लिए यहाँ पे स्ट्राइक लेनी होगी। पहले थे, पहले इन्होंने फिजिकल एग्ज़ाम के लिए हमने स्ट्राइक ली कि हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम है, अब ऑनलाइन एग्ज़ाम पे आए तो अब ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम ऑन कैंपस, ये स्टूडेंट के साथ सरासर ना इंसाफ है। बीसी साहब कोई भी ट्राई नहीं कर रहे, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, यहाँ से कल के बैठे हैं रोड पर, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, टीचर आते हैं चले जाते हैं। ओके, थैंक यू।